येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी। तो फ्रेंड आज इस वीडियो में हम भिंडी के अंतर्गत लगने वाले एक रोग जिसे भिंडी में चितकबरा रोग बोलते हैं, और भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो हर घर में पकाई जाती है और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा रहती है फॉर द ह्यूमन। तो ये जो भिंडी है इसमें एक डिजीज लगती है जिसे ये येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी बोलते हैं। यह एक वायरल डिजीज है और इस वायरल डिजीज की वजह से होता क्या है कि जो लीफ्स रहती है भिंडी की, जो लीफ्स रहती है उसकी लीफ में क्लोरोसिस हो जाता है, और क्लोरोसिस होने के बाद वहाँ का जो क्लोरोफिल का जो रीजन रहता है वह डिसअपियर हो जाता है और येलोइश कलर का हो जाता है। और बाद में होता क्या, इसमें जो वेन्स रहती हैं वो क्लियरली दिखाई देने लगती हैं और क्लोरोफिल के डिसअपियर होने की वजह से। यह इन्फेक्शन अब जब और ज़्यादा हो जाता है तो इसमें जो रहता है नेक्रोसिस हो जाती है, जो टिश्यूज जो रहती है उनकी डेथ हो जाती है। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको साइट्रस कैंकर के बारे में डिटेल से बताया। साइट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज थी। तो हम जो इस डिजीज के बारे में जो पढ़ने वाले हैं, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी जो कि एक वायरल डिजीज है, तो चलिए शुरू करते हैं। येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, तो ये जो भिंडी में लगने वाला जो येलो वेन मोजेक वायरस है यह बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है प्लांट्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो लीफ रहती है वह येलोइश कलर हो जाती है और वेन्स जो इसकी रहती है वह क्लियरली दिखने लगती है, क्योंकि इसमें जो क्लोरोफिल रहता है वह डिसअपियर हो जाता है और जिसकी वजह से जो वेन्स रहती है वह क्लियरली दिखने लगती है। अगर इस डिजीज की बात करें तो इसे हम येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी बोलते हैं। इसके अलावा इसे ओकरा भी कहीं कहीं बोला जाता है। पैथोजन जो इसमें होता है एक वायरस होता है, जिसको हमने अभी बताया आपको कि एक वायरल डिजीज है, तो इसमें जो पैथोजन रहेगा वह वायरस रहेगा। वायरस जो होता है येलो वेन मोजेक वायरस होता है। इसका जो होस्ट प्लांट रहता है वह एविलोमोकस स्कुलमेंटस या इसका होस्ट प्लांट रहता है। इन्फेक्टेड पार्ट की बात करें, अगर प्लांट के अंदर हम इन्फेक्टेड पार्ट की बात करें तो यह लीफ के अंतर्गत इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। पहले होता क्या है कि इस लीफ्स के अंतर्गत जो भी क्लोरोफिल का जो पार्ट रहता है वह इस वायरस की वजह से डिसअपियर हो जाता है, और बाद में नेक्रोसिस होने की वजह से, पहले तो क्लोरोसिस होता है बाद में फिर क्या हो जाता है नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस होने की वजह से जो सेल्स रहती है या जो टिश्यूज रहती है उनकी डेथ हो जाती है, और जिसकी वजह से जो लीफ जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाती है, जब इसकी लीफ डैमेज हो जाएगी तो इसमें जो भोजन इसका बनना, जो भी फूड मटेरियल इसको जो चाहिए वह लीफ्स के थ्रू बनता है, इसमें स्टोमेटा के थ्रू इस फोटोसिंथेसिस की वजह से जो लीफ्स में भोजन जो बनता है, जब लीफ ही मतलब उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएगी, उसमें नेक्रोसिस हो जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगा, तो अपने जो होल प्लांट की जो पूरी बॉडी है उसमें प्रॉपर फूड को यह ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसमें जो प्लांट्स रहेगा उसके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। प्रोडक्शन तो कम ही होगा ही, साथ ही साथ जो यील्ड है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और जो प्लांट है वह स्टंट कर जाएगा। तो अगर हम येलो वेन मोजेक वायरस के इंट्रोडक्शन की बात करें, तो येलो वेन मोजेक इज एन इम्पॉर्टेंट डिजीज ऑफ भिंडी, जो भिंडी में यह बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। इट इज वाइडली स्प्रेड वेयर दिस क्रॉप इज गुड, जहाँ पर भी इसके क्रॉप की खेती की जाती है, यहाँ पर भी भिंडी की खेती की जाती है, वहाँ पर इस डिजीज को देखने को अक्सर यहाँ मिलता है। इंडिया में यह डिजीज सबसे पहले महाराष्ट्र के रीजन में सबसे पहले इस डिजीज को देखा गया था। 1940 में इस डिजीज को सबसे पहले महाराष्ट्र में नोटिस किया गया था, देखा गया था। यह डिजीज जो होती है वह सिर्फ रैनी सीजन में इसका इन्फेक्शन होता है, बाकी समय में इसका इन्फेक्शन नहीं होता, और इसका इन्फेक्शन की वजह से जो प्रोडक्शन रहता है क्रॉप के अंदर, जो यील्ड समय मिलती है, जो भी हमें उससे प्लांट से या भिंडी के प्लांट से जो भी हमें भिंडी प्राप्त होती है, इसका जो यील्ड है लगभग 50-100% उसकी यील्ड जो रहती है वह प्रभावित होती है, रुक जाती है। इसके बाद अगर इसके हम सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, तो इसमें होता क्या है कि जो लीफ्स रहती है लीफ्स में क्लोरोसिस हो जाता है, क्लोरोसिस होने की वजह से जो क्लोरोफिल का जो रीजन रहता है वह समाप्त हो जाता है और वहां पर येलोइश कलर आ जाता है, जिसकी वजह से जो वेन्स रहती है वह क्लियरली दिखने लगती हैं, और वहां पर जो रहता है उस एरियाज में बहुत ज़्यादा येलोइंग कलर आ जाता है और पूरी जो लीफ्स रहती है वह येलो कलर की दिखने लगती है, जिसकी वजह से जो लीव्स की साइज रहती है वह डिंक्रीज हो जाती है, छोटी हो जाती है, और फ्रूट जो रहता है जब उसे प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर फूड नहीं मिल पाएगा, तो उसका जो फ्रूट रहेगा उसकी यील्ड बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत कम उसमें से फ्रूट्स मिलेंगे, और जो भी फ्रूट मिलेंगे वो बहुत छोटे मिलेंगे और इन्फेक्टेड मिलेंगे। लीव्स जब रहती है वह लीव्स की साइज भी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है,
और जो फ्लावरिंग इसमें रहती है फ्लावरिंग के ऊपर भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। और कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद, या जो प्लांट रहता है बिकम इंस्टेंट हो जाता है, इसकी जो ग्रोथ रहती है वह कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है, प्लांट वैसा कि वैसा पड़ा रहता है। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं जो भिंडी की ये जो लीव्स है, इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें पूरी तरीके से क्लोरोसिस हो चुका है, और क्लोरोसिस होने की वजह से इसका क्लोरोफिल का जो रीजन है वह कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया है। इसकी वजह से इसमें जो वेंस के जो पार्ट हैं इसको आप क्लियर देख पा रहे हैं, या दिखाने की कोशिश की गई है इमेज के माध्यम से। इसके बाद इसमें है एटियोलॉजी, यानी कि कॉजल ऑर्गेनिज्म, इसे पैथोजन भी बोलते हैं। तो इसके लिए जो पैथोजन है, इस डिजीज को कॉज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो पैथोजन है वह येलो वेन मोजेक वायरस है, जिस वायरस को हम हिबिस्कस वायरस फर्स्ट भी बोलते हैं। इस डिजीज का ट्रांसमिशन जो होता है वह एक फ्लाई होती है जिसे व्हाइट फ्लाई बोलते हैं, और इस व्हाइट फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वह बिम्बेसिया टेबेसी, या एक फ्लाई होती है जिसके थ्रू इस डिजीज का जो ट्रांसमिशन होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा और एक भी एक कुछ लिफाफर वगैरह जो है इनके द्वारा भी बहुत रेयर केसेस में यह देखा जाता है कि ये जो लिफाफर है ये सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मोस्टली इसमें जो व्हाइट फ्लाई होती है वह ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी के लिए। तो इसमें जो येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी के लिए जो डिजीज फैलाने का जो काम करती है वो व्हाइट फ्लाई होती है, जिसे बिम्बेसिया टेबेसी बोलते हैं, हिंदी में इसे सफेद माहू भी बोलते हैं। बिम्बेसिया टेबेसी को आप देख रहे हैं, या इस बिम्बेसिया टेबेसी है जो कि व्हाइट इन कलर का है, और इसके अलावा इस लीव्स पर भी आप देख पा रहे हैं कि बिम्बेसिया टेबेसी जो है इनका इस पर बैठ कर अपना लाइफ कम्प्लीट कर रही है, इसके थ्रू इसकी जो पैथोजन है वह रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम बोल सकते हैं जो बिम्बेसिया टेबेसी है जो फिर या व्हाइट फ्लाई जो है वह एज ए वेक्टर वर्क करती है इस डिजीज को फैलाने के रूप में, यानी कि यह डिजीज को खुद नहीं कॉज करती, यह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो वायरस है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिशन के लिए। वायरस डिजीज तो वायरस कॉज करता है, लेकिन जो डिजीज को फैलाने का जो काम करती है वह व्हाइट फ्लाई करती है, जिसे बिम्बेसिया टेबेसी के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसमें है बिम्बेसिया टेबेसी, तो भी हमने आपको बताया कि जो ये बिम्बेसिया टेबेसी होती है एज ए वेक्टर या वर्क करती है, और जो ये डिजीज होती है येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, इसके लिए जो वायरस होता है जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम YVMV बोलते हैं, यानी येलो वेन मोजेक वायरस, यह जो ट्रांसमिटेड करती है बाय द वेक्टर जिसे हम व्हाइट फ्लाई बोलते हैं बिम्बेसिया टेबेसी, और कुछ लीफ हॉपर भी हैं जिसके लिए यह रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन अधिकतर जो ट्रांसमिशन होता है डिजीज का वह व्हाइट फ्लाई ही करती है बिम्बेसिया टेबेसी। और जो होस्ट इसमें रहता है वह पॉपुलेशन जो इसका रहता है वह समर के सीजन में गर्मी के समय में ये भिंडी के ऊपर बैठकर अपनी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, एंड इट मे बी ट्रांसमिटेड आर्टिफिशियली थ्रू ग्राफ्टिंग, यानी कटिंग वगैरह करते समय जब किसान अपने खेतों में ग्राफ्टिंग करता है, कहीं कटिंग करता है, तो उससे भी ये वायरल है, तो वायरस जो है वह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है और एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर चला जाता है। तो इसके लिए कुछ मैन भी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसमिशन, लेकिन मोस्टली केसेज में जो है व्हाइट फ्लाई होती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बिम्बेसिया टेबेसी। और जो भिंडी होती है, भिंडी जिसे हम एवेलियम मोस्कस और स्क्यूलेंटस बोलते हैं, ये साइंटिफिक नेम है, और इसका जब ग्रोइंग सीजन रहता है तब जाकर यह इसकी लीव्स पर इफेक्ट करता है, और ग्रोइंग सीजन में ही जब इफेक्ट कर देगा तो इसके प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। इसके बाद इसमें है डिजीज साइकिल, तो अगर हम इसके डिजीज साइकिल की बात करें तो इसमें जो होता है पहले क्या होता है, इसमें पेरिनेशन होता है, उसके बाद प्राइमरी इन्फेक्शन, फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन, इस तरीके से लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट होती है। तो डिजीज साइकिल में ये वायरस जो होता है सबसे पहले सेवरल वेट्स, यानी कि कुछ ऐसे भी वेट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी होट्स होते हैं इसके अलावा, जैसे क्रोटन हो गया, स्पारिस फोलेरा हो गया, और मालवेस्ट्रम हो गया, ट्राइकोस्पोडियम हो गया, एग्रेंटम हो गया, इस जब स्पीसीज की जितने भी ये सब प्लांट्स है इनके ऊपर भी यह होस्ट के रूप में रहता है, एंड ए वाइल्ड होस्ट। इसके अलावा जो एक वाइल्ड होस्ट होता है जिसे हिबिस्कस टेट्राफिलस बोलते हैं, व्हेन द क्रॉप इज अब्सेंट, यानी कि जब यह क्रॉप जो रहता है वह अब्सेंट रहता है तब इन सब स्पीसीज के ऊपर यह रहकर अपनी लाइफ को कम्प्लीट करता है। और जब भिंडी की सीजन आती है, यानी कि जब भिंडी को लगाया जाता है, तो इन सब से हटकर यह भिंडी के ऊपर अटैक कर देता है। द इंसेक्ट वेक्टर एक्वेरीज द वायरस विद इन 15 to 30 मिनट्स, यानी कि
इस वायरस को जो इंसेक्ट या फिर वेक्टर्स जो होता है वह 15 to 30 मिनट्स के अंतर्गत इसे ले जाकर इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है वह 7 आवर्स का होता है इसका, और इसी में यह ले जाकर इस प्लांट्स के ऊपर यह रख देता है, और विद इन द बॉडी ऑफ वेक्टर एंड आफ्टर दैट द वेक्टर इनोकुलेट देन एंड क्रॉप प्लांट, यानी कि कुछ में समय बाद यह जो वेक्टर यानी कि जो व्हाइट फ्लाई होती है इस पर बैठकर, यानी कि जो लीफ होती है भिंडी की इस पर बैठकर अपना रस पान करती है, तो उस वहां पर ये वायरस जो होता है वहीं से वे एंट्री ले लेता है। इसके बाद इसमें है प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो प्राइमरी इन्फेक्शन इसमें जो होता है दी प्राइमरी इन्फेक्शन एंड ए सब्सिक्वेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन इज ग्रोइंग सीजन, या ग्रोइंग सीजन में अटैक करता है, ग्रोइंग सीजन में यह इन्फेक्शन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन, एंड ब्रॉट इन टू द बींग ऑफ इंसेक्ट वेक्टर, जो कि एक इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू यह रिस्पॉन्सिबल होता है। यह वायरस जो होता है अपनी संख्या को बढ़ाता है और एक सेल से दूसरे सेल में सिस्टमेटिक मूवमेंट करने के बाद फाइनली यह डिजीज को पूरी तरीके से डेवलप कर लेता है, यानी होस्ट प्लांट पर पहले जाता है तो अपनी संख्या को बढ़ाता है, संख्या को बढ़ाने के बाद एक सेल से दूसरे सेल्स में जाकर अपनी पूरी तरीके से जब अपने आप को डेवलप कर लेता है तो पूरी प्लांट्स की लीव्स को वह इन्फेक्टेड कर देता है। इसके बाद अगर हम डिजीज कंट्रोल की बात करें तो या जो डिजीज है येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, इसके लिए कोई सुटेबल मेथड नहीं है जिसके द्वारा इसे हम कंट्रोल कर सकें। हम कर सकते हैं इरेडिकेशन कर सकते हैं, यानी कि जो ऐसा प्लांट जिसमें हमें देखे कि हाँ इसमें येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी का इन्फेक्शन हो चुका है, यानी येलो वेन मोजेक ऑफ वायरस जो है इसका इन्फेक्शन इसमें हो चुका है, तो इसे हमें इरेडिकेशन करना चाहिए, उसे फील्ड से हटाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इसके अलावा हमें प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम व्हाइट फ्लाई, यानी कि जो व्हाइट फ्लाई होती है उससे हमें अपनी क्रॉप्स को, यानी कि जो भिंडी का पौधा होता है उससे हमें बचाना चाहिए। इसके लिए कुछ इंसेक्टिसाइड्स का हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि जो ये व्हाइट फ्लाई है एज ए इंसेक्ट है, तो हमें कुछ इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव कर अपने इस प्लांट्स को बचा सकते हैं। तो जब यह आकर लीव्स पर बैठेगी नहीं तो इसका जो ट्रांसमिशन है डिजीज का वह नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए कुछ है इंसेक्टिसाइड्स हैं जैसे एकोटॉक्स, मेटासिस्टकॉस एंड रॉगर, फॉलीडॉल पाउडर, इन सब का स्प्रेइंग करके हम प्लांट्स को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। इसके बाद इसमें अगला है इरेडिकेशन ऑफ वीड्स, यानी कि हमें जो जहां पर भी क्रॉप लगाई जाती है भिंडी की उसके आसपास जो भी वीड्स वगैरह हैं, जो भी ग्रासेज वगैरह हैं, उसको हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, और हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज का यूज करना चाहिए जैसे पूसा, स्वर्णी, प्रभानी और क्रांति, ये सब कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी हैं, इसका हमें यूज करना चाहिए। रेजिस्टेंट वैरायटीज का अगर आप यूज करते हैं तो या जो वायरस है या फिर जो जो भी डिजीज है वह इस पर इन्फेक्शन नहीं करेगा क्योंकि वह इसके प्रति रजिस्ट होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी के बारे में आपको डिटेल से बताया। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।